हेलो बेटा, क्या हाल है आपके? बाइक पे बैठो यार, बाप का बाइक है। बैठ जो। क्या लेके आ रहे हो? क्या शॉपिंग की आपने? शॉपिंग नहीं की, शॉप पे जा रहा हूँ। शॉप पे जा रहे हो, क्या करते हैं आप? फास्ट फूड का काम। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? हुसनैन। हुसनैन साहब, तो पढ़े लिखे हैं आप? मैट्रिक। मैट्रिक की है। उम्र कितनी हो गई? 18। और लाइसेंस वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं अभी बना। बावर्ती स्टूडेंट आगे। एक मिनट ठहरे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल। तो लाइसेंस तो नहीं बना होगा आपका? आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा? नहीं, अभी नहीं बना। अब्बा जी क्या करते हैं? मेरे पापा बैग बनाते हैं। बैग बनाते हैं। ये देख सकते हैं जी आप सूरत हाल। ये बच्चा बेचारा हसूल तलीम के लिए निकलता है, हसूल इल्म के लिए निकलता है, लेकिन ये बाइक का सिस्टम आप देख लें, ये देखें। और ये चंद, मतलब चंद रुपए लगते हैं इसको कसवाने के लिए और इसको ठीक करवाने के लिए। कोई इतना भारी भरकम ये बजट भी नहीं है इसका। इसकी इंडिकेटर्स भी नहीं है, इंडिकेटर्स टूट चुके हैं। यहाँ स्विच होता है वो भी नहीं है, पीछे इंडिकेटर्स नहीं है। भाईजान के पास हेलमेट नहीं है। भाईजान पढ़ी लिखी शख्सियत है, अल्लाह ताला इनको साइंसदान बनाए जी, मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए तौफीक दे। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि ये कानून की बालादस्ती को जो है उसका अमल दरामद करवाने में ना सिर्फ जो है वो हेल्पफुल रहे, बल्कि किसी हादसे से बचने के लिए इनकी सेहत तंदुरुस्ती जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने पेशबंदी कितनी की है तहफ़ के लिए। भाईजान, ये हमारे खड़े खड़े हम एक घंटे से खड़े हैं, ये 50वां मोटरसाइकिल सवार है जिसको आपने कम अज़ कम 50वां। तो अगर इसी तरह ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर ऐसे ही बच्चों को पकड़ के, सिर्फ उनकी खालिद खान ट्रैफिक पुलिस में कैसे ज़्यादा लाएँ? हम नहीं ला सकते, वो एक ही है। 2800 की फोर्स है भाई, 2800। और कभी शहर की सड़कों पे 1100 ट्रैफिक वाले होते थे, जो उस वक्त खालिद साहब होते थे, उसमें उस वक्त भी खालिद साहब होते थे। आज 2800 बंदे, आज पीछे 2800 बंदे जो है वो निकाले। वो क्या क्या केस है आज आपका? बहुत बड़ा सर, बहुत मेहरबान। सुभान अल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। सरदार जी कितने चले हो? अड्डे पे जा। पूरा घर ही छत लिया नाल है। कितने जा रहे हो? अड्डे पे। की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सईद। सईद साहब, एक कट रखे ने तुसी, और आ सकते थे नाल? नहीं सर, इतने ही बोल। नहीं आ सकते थे, देखो तुसी गलत कह रहे हो। और आ सकते? नहीं सर, इतने ही बोल जा। 15वीं टायर कट ने? नहीं, इतने ही बोल। यहां तक होते ना ये कम। देखो गलत नहीं है, देखो थे यार, अब ज्यादती कर रहे। नहीं नहीं, देखो गलत कर। लेके आए पूछें जरा इनसे, कहां से लेके आए? ये स्टेशन से। कहां जाना है आपने? ये अड्डे पे। और क्या आप इनका ही काम है टायरों का? ये वैसे आपको सही बात बताऊं, ध्यानदारी से 20 टायर और आ जाने थे। नहीं सर, नहीं आने। नहीं, कसमियां आ जाने, इतने काफी हैं सर। इससे पहले कभी ट्रैफिक वालों ने आपको रोका? कई बार रोका। फिर चलान करते हैं? करते हैं। तो आप फिर पास नहीं आते अपनी हरकतों से? क्या करें फिर, यही हमारे काम है, मजदूरी करनी है। पूछ लिया कि इनको रोकते हैं, चलान करते हैं, ये इनका रोजगार है। ये ना कहे कि इनको खुला खुली छुट्टी दे दी है, ये कार्रवाई भी होती है? हफ्ते में एक चलान करते हैं। कितने का चलान होता है? 300 का 200 का। अच्छा, इधर मतलब ये होया, इसका मतलब एक मिनट, ये सामान अगर वो रिक्शे में लेके जाए ना तो 1500 का काम है। हाँ, 1500 का काम है, वो 300 से करा लेंदा। वो कहता है भाई हफ्ते जी के चलान, मेरा चलान करो, हफ्ते जी के चलान फिक्स है, मैं वो करा लेना, बाकी 6 दिन जे रहना। सारा ऐसे नहीं है सर, वो लिमिट उस चीज का शऊर देना आपने। क्या क्या बताना आपने हमने इसको कि भाई ये गलत है टायर रखना? इसको पता है? ले, वो कह रहा मुझे पता है ये गलत। लेकिन सर हमारी मजबूरी है सर, हम गरीब आदमी है। मेरा ख्याल है शऊर से बात आगे चले गई है और मामला बेहिसी का है। शऊर का मामला नहीं है, शऊर सबको है, बेहिसी का मामला। ऐसा नहीं है कि किसी बाइकर को ये पता ही ना हो कि हेलमेट पहनना है, ऐसा नहीं है। वो बेहिसी है और उसके अंदर जो जेनेटिक्स है इस वक्त, जो ये सोच बैठे हैं कि मैंने इसी तरह ही करना है। और ऐसा भी नहीं है किसी बाइकर को ना पता हो कि मैंने जब लेफ्ट लेन या राइट लेन में मूव करना है तो मेरे पास बैक मिरर्स होने चाहिए। मामला माशरती सतह पर बेहिसी पर चला गया। जो शऊर की डिबेट फयाज मलिक साहब ने शुरू की थी, इसका क्या करना है जी? वो आपको नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है ना हेलमेट होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। पता है साहब को? पता है, मामला बेहिसी का है। अच्छा, स्टार्ट कैसे होती है? स्टार्ट कैसे होती है जी? यहाँ से। हाँ, तो पता है ना, हॉर्न बजाए, इसको बंद करें, सब पता है इसको। इसको किस चीज की आपने क्या शऊर देना है, क्या गाही देनी है इसको आपने? बात, इसके इंडिकेटर चलते हैं सारे, चलाएं राइट इंडिकेटर, चलाएं ये वाला, चलाएं राइट, लेफ्ट चलाएं, पीछे वाले इंडिकेटर भी चलते हैं। इसकी उम्र जरा पूछिएगा, क्या उम्र है आपकी? 16 साल। तो आपका हेलमेट किधर है?
मेरे पास नहीं है उसने वो ड्राइव तो तब लेना तब ये ड्राइव कर सके नहीं कर सकता साल नहीं कर सकते हेलमेट किधर है 16 साल मेरी हेलमेट किधर है और आप मुझे चला रहे हैं अभी मोटरसाइकिल जब से होश संभाला नहीं पहली दफा कब चलाया था छठी क्लास में कब थे दो साल हो गए जनाब ये 12 साल से ये मोटरसाइकिल दो साल में आपकी मुलाकात खालिद साहब से नहीं हुई नहीं अस्सलाम वालेकुम फयाज मलिक साहब दो साल से खालिद साहब से नहीं मुलाकात खालिद साहब बस ना पहले यहाँ पे थे नहीं ना अब खालिद साहब आ गए हम आ गए तो बच्चे की मुलाकात हो गई यू आर सो लकी मैन आपकी ट्रैफिक गाड़ी को आपको आपकी जन्नत पकी है बात ये है कि ये कोई इनाम दें जिसे मुगलपुरे के रहने वाला है कोई भगवानपुरे के रहने वाला है कोई शालामार से आया कोई मरीद के से आया है ये मुलाकात होना कोई बड़ी बात नहीं है कार्रवाई होती रहती है कार्रवाई प्रॉपर और वार्डन ने कभी रोका किसी वार्डन ने कभी रोका खालिद साहब से मुराद कोई भी वार्डन कोई वार्ड किसी ने नहीं रोका भाई क्यों रोके मैंने सुबह सुबह अपने 20 चालान कर लेने हैं मेरी शिफ्ट खत्म दूसरी शिफ्ट में आना है ये कितना बच्चा आपने रोका चले आप मुझे बता दें 60वां तो फिर तो ये इसे अंदाजा लगा लें अगर इन्हीं 60 बच्चों को अगर हम एक घंटे में रोक सकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस पूरे दिन में कितने 60-100 बच्चों को रोक सकती है अगर अमली तौर पे काम किया जाए और भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं तो आपके साथ ये तीसरा प्रोग्राम है मैं इस बात पे कन्विंस हो गया हूँ कि ये मामला अवेयरनेस से बहुत आगे जा चुका है ये बेहिसी का मामला ये बेहिसी का मामला है कौन पता सबको है पता सबको है इस बच्चे को हर चीज का पता है लेकिन ये असल बात ये है कि जो बंदा मर जाता है ना फायज साहब जिस बंदे का सर नीचे लगता है और उसकी हेड इंजरी होती है वो मर जाता है वो वापस आके बता नहीं सकता मेरे साथ बीती क्या है वरना आगे कौम को बताए यार मर जाओगे प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द कमो बेश को 100 बंदा खड़ा है ठीक है इन 100 बंदे हमारी बातें सुन रहे हैं कोई मुस्कुरा रहा है कोई कह रहा है यार की टाइम जाया करते पे ना ओ यार है की होना है ओ यार है किस तरह होना है नहीं इन सबको पता है कि इसका अंजाम क्या है ये मोटरसाइकिल गिरेगी चोट कैसे लगेगी क्या होगा कैसे होगा सब पता है मगर कानून का मजाक उड़ाना हमारी फितरत है कानून को पांव तले रोंदना हमारी फितरत है मैंने फिर वही बात है कि हाई कोर्ट ने हमें जगाया तो हम जाग गए मगर ना जैसे तैसे मामला चल रहा था वार्डन 2006 से शहर की सड़कों पे हैं ट्रैफिक का पहले की निस्बत ज़्यादा बेरा गड़क हुआ है वरना पहले 1100 बंदे शहर पे ट्रैफिक को चलाते थे और भाई आप बाहर शहबाज अपने प्रोग्राम तमाशा में ये 60वां बच्चा रोक रहा है ना तो एक वार्डन अगर ईमानदारी से या एक सेक्टर इंचार्ज ईमानदारी से या एक सर्कल का इंचार्ज या एक डिवीज़न का इंचार्ज अगर ईमानदारी से ड्यूटी करे मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि लाहौर की सड़कों पे जीरो वायलेशन होगी आए जी आपको एक और केस दिखाते हैं जीरो वायलेशन होगी बशर्त सारे लोग कमिटेड होकर काम करें वो लोग जो ट्रैफिक से वाबस्ता हैं वो भी सर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है क्या साडा एक छोटा है मसा हल कर आ जाओ दसो अंदर सड़क टूटिया भजिया साढ़े चूकने दर्दा होने लग पी अभी जा नहीं सकते अजा विजिट करो अंदर की हाल है समझिए आवाम का काम है गवर्नमेंट का काम है सड़क सही कराओ टोए टप्पे चेंज रखा नहीं जा सकता ट्रैफिक जाम हुई वह कौन जिम्मेदार है असं पैदल आने यकीन करो अभी नहीं जा सकते वोट किसको दिया था आपने वोट का आज दिन पहले भी हुकूमत भी यही कुछ थी मैंने एक सवाल किया दो साल हो गए आपसे एक सवाल किया है आप यहाँ के मुकामी रहसी हैं माशाल्लाह कुछ 6-7 इलेक्शन अपनी जिंदगी में आपने देखे होंगे किस पार्टी को वोट दिया पहले असं नून लीग नीता है ऐसी बल्ले नहीं दिता दिता जिते 30 साल सफर किया जे 30 साल सफर किया जे ना बिरयानी और कीमे वाले नान पे वोट कास्ट किया इस कौम ने नहीं सबर करें थोड़ा सा 20 दिन हुए हैं 30 दिन ही नहीं सबर कर रहे कितनी देर हो गई देखो ना विजिट कर लो सवेरे से ही हो जाएंगी तुसी मेरी जान सवेरे से ही हो जाएंगी विजिट कर लो सवेरे से ही हो जाएंगी विजिट कर आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे जम्मन से पहले की हुई हुई है इतनी सड़क खराब है मैं खुद चिंगचंग ड्राइवर हूँ रक्षा ठीक है ना मैं खुद चलाता हूँ खुद ही देखने हर आदमी तो जा ही नहीं सकता उसके ऊपर विजिट जरूर करो सामने जाके और शरबत लगे उस अगे जाके ड्राइवर है हटे डायरेक्शन ये अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या हाल है बेटा क्या करते हैं आप काम क्या काम करते हैं गाड़ी का इस तरफ अच्छा गाड़ी का काम करते हैं तो इसका
इंडिकेटर वगैरह लगे होते हैं, इशारे कहाँ हैं? घर पड़े हुए हैं। इशारे घर पड़े? तो आप कब से चला रहे हैं बाइक? ये 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, तो आपकी तो उम्र अभी कम है, आप बाइक नहीं चला सकते, पता है आपको? हाँ जी। आपका लाइसेंस नहीं बना, आपका आईडी कार्ड नहीं बना? लगवाने हैं ना इसका। सारे जिन्हें में पढ़े ना 100 बच्चा, वो सारा आज पेंचर लगवा गया। देख लो खुद ही पेंचर हुआ है, मैंने तोड़ी लगी है। सही कह रहे हैं तेनों में। कोई नतामत, कोई शर्मिंदगी नजर आ रही है आपको? नहीं है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्या होगा भी, ज्यादा से ज्यादा चलान होगा, सुबह बैंक की लाइन पे खड़े होंगे, 200 रुपया देंगे मोटरसाइकिल ले आके, फिर खाला साहब देके खड़ी करके गई ले मैं चल रही, ये होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसका इलाज ये है, 3 दिन के लिए कम से कम इसकी बाइक बंद हो, कम से कम 3 दिन के लिए, और जो इसका सिफारशी आए उसको पर्चे में नामजद किया जाए कि तूने इसको बाइक क्यों दी है। नौ उम्र है ना, चले इसको तो रिलैक्सेशन है, इसको हम हवालात में नहीं रख सकते, इसके पेरेंट्स को नामजद करना चाहिए कि उन्होंने इसको बाइक दे के सड़क पे क्यों भेजा, इसकी तो साइकिल चलाने की उम्र नहीं है, तो आपने इसको बाइक दे दी। ये सोचने के लिए हमें अपने अपने रवैये बदलने होंगे। हम क्या करते हैं, हम खालिद साहब भी हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे, वो भी अब अपना चलान पूरा करते हैं, अल्लाह भाई तू जा, ये सड़क पे गिरा होगा, ये आएंगे इसको उठाएंगे हॉस्पिटल लेंगे, बस ठीक है। इसके वालदैन को पता है या जिसने इसको बाइक दी उसको पता नहीं है कि इसकी उम्र नहीं है बाइक चलाने की, भाई ये बाइक क्यों चला रहा है? ठीक बात है फारूक साहब। मैं समझता हूँ कि इसमें कम्युनिटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। देखें अगर हम एक अदारे के ऊपर अगर फोकस करते जाएं, ठीक है अदारे की जिम्मेदारी है, जब तक कम्युनिटी आगे नहीं निकलेगी, कम्युनिटी अपना रोल प्ले नहीं करेगी। देखें इसका कोई गार्डियन है, इसका कोई चचा है, कोई ताया, कोई पुप्पो, कोई खाला, कोई नानी, कोई दादी, यार ये घर से आते हैं, हमारा एक टाइट फैमिली सिस्टम है जहाँ से हम लोग निकलते हैं, ये कोई जंगलों से नहीं आ रहे, ये घरों से आ रहे हैं, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। दादी पूछे, नानी पूछे, बेटा कहाँ से आया है, पुत्र रात के 2 बजे कहाँ से आ रहा है, यार पता होना चाहिए बेटा कहाँ से आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है घर वालों को पता ही नहीं होता। और बड़ी मजा, आप अगर इसको पकड़ लिया ना तो इसकी सिफारिश कैसे आएगी? हेलो हाँ जी, ओ यार वो घरों ही लैन गया सी, और ट्रैफिक वाले ने फाड़ लिया दिहाड़ी लाने मारे, या थाने वाले ने फाड़ लिया, ये नहीं वो कहेंगे कि उसकी उम्र नहीं थी बाइक चलाने की, लेकिन वो तो कॉर्नर की दुकान पे दही लेने के लिए गया था, सब्जी लेने के लिए भेजा था, उसको पुलिस वालों ने बिला वजह पकड़ लिया। और यार इससे बड़ी वजह क्या है कि इसकी उम्र नहीं है बाइक चलाने की, इससे बड़ी वजह है ना, जिनकी उम्र है भी है तो उन्हें पता क्या होता है, लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो आगे साइन नोट जो पूछते हैं उनमें फेल करके घर भेज देते हैं, जाओ भाई घर चले जाओ। अब मैं मेरा आईडी कार्ड बना है, मैं लाइसेंस बनवाने के लिए गया हूँ, ड्राइविंग वार्डन पूछता है भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है, मैं हम जाते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए आगे जाते हैं, जो साइन नोट पूछते हैं, जो साइन नोट ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं जो बाइक में बिल्कुल आते ही नहीं है। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, खालिद साहब नहीं देंगे, दुनिया में क्यों नहीं देंगे, सबसे देंगे खालिद साहब, दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा है, और पाकिस्तान में सबसे आसान काम ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा है, बिल्कुल है। ये आपकी बात का जवाब आप बेटा, अगर आप वो एक कोड बुक होती थी पहले, कोड बुक जब टिकट लेने जाते थे डाकखाने में, एक कोड बुक मिलती थी, आप प्रॉपर एक दिन में वो इशारे चेक कर लें कि राइट का कौन सा है, लेफ्ट का कौन सा है, तो आपको फेल कौन ही करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि विद नो फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर टिकट के। बड़ी जबरदस्त बात है, आप कम्युनिटी का रवैया देखें, मैंने 2 मिनट के लिए जानबूझ के आंख बंद की है, लोगों को यहाँ पे खड़ा किया है अंडर एज ड्राइविंग की वजह से, हमारे लोगों ने ये जो यहाँ पे खड़े हैं, मतलब ये हमारा रवैया है, उन्होंने भगा दिया, हमने मुंह इस तरफ किया है और उसको भगा दिया है। देखें ये बात यहाँ हम सारे ये नोट कर रहे हैं, मतलब हम ये नोट कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कौम का रवैया कैसा है, यू नहीं जो मर्जी कर लो, ये इस कौम का रवैया है, वो कहती है कि ये पागल है, हमें अक्ल देने के लिए आए, हमें अक्ल की जरूरत ही नहीं है, हमने जानबूझ के फेस इस तरफ किया है और इधर से बंदे को जानबूझ के हमारे लोगों ने फरार कर, ये बड़ा अजीब रवैया है। सिर्फ हैवी जुर्माने किए हैं, इन्फोर्समेंट किया है, जब हैवी जुर्माने होंगे, जब मोटरवे पे लोग आते थे, मोटरवे इस्तेमाल करते हैं, चलान करते हैं ट्रैफिक वाले, उसमें टाइम होता है 10 दिन का, 10 दिन तक कंट्रोल करे, दूसरे दिन फिर चलान होता रश्के वाले का, ये क्या वजह? आज चलान मेरा होया, मैं लोड लदूं, उस बार फिर चलान करते हैं, जब जिस लो आपके लोडर पर चलान हुआ है, इसलिए दोबारा आपको किसी ने परमिट इजाजत नहीं दी लोड चलाने के लिए, मेरी बात सुने, चलान का मकसद ये नहीं है कि एक मरतबा चलान हो गया तो 10 दिन आपका चलान नहीं होगा,
आपका हर वायलेशन पे चलान होगा, आपका हर घंटे बाद चलान होगा। कानून इस चीज का इख्तियार देता है, नहीं 10 दिन सिर्फ पेमेंट के लिए है कि आप जुर्माना पे करके कागज ले लें, वरना अदालत जाना पड़ेगा आपको। ये तो फिर रशिया रोजाना चलान कराएंगे, आज हो गया कल फिर। अगर इनका टाइम खत्म हो गया जी, हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं ट्रैफिक पर BCO प्रोग्राम करने के बाद कि शऊर देने की जरूरत नहीं है, शऊर सबके पास है, बेहिसी है और लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, ताकि लोग जो हैं जब सड़कों पर निकलें तो उन्हें पता हो कि नौ उम्र बच्चों ने बाइक्स नहीं चलानी, और उन्हें पता हो कि हेलमेट्स के बगैर बाइक्स नहीं चलानी, और उन्हें पता हो कि अपने लेन की डिसिप्लिन के साथ पाबंदी करनी है, और जब वो लाइसेंस बनवाने जाएँ तो उनकी प्रॉपर तरबियत भी दी जानी चाहिए। यहाँ रिवाज नहीं है कि लोगों को तरबियत दी जाए कि किस तरह से राइडिंग करनी है, किस तरह से कार चलानी है। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।